हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयरफोर्स स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें परमानेंट पोस्ट है। सैलरी मेंशन की हुई, एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर है, वैसे कैंडिडेट भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे, पूरी डिटेल हम कवर करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो पहले से बना के रखी हुई है, सिलेक्शन प्रोसेस। एक सब्सक्राइबर, एक व्यूअर की मेरी सिलेक्शन हो गई थी एयरफोर्स स्कूल में और मेरे वीडियोस के थ्रू ही, और उन्होंने फिर मेल पर पूरी जो प्रोसेस है वो मुझे शेयर की। उस पर बेस्ड मैंने एक वीडियो बना दी है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो सिलेक्शन प्रोसेस थी, कैसे रिटर्न एग्जाम हुआ, कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हुए, ये सारी चीजें उन्होंने बताया, जो वही मैंने वीडियो में बना दिया। तो ऐसे किसी भी स्कूल में आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये वीडियो जरूर देख लें। मैं ये वीडियो जो है इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, साथ ही साथ अगर हो सकेगा तो कमेंट सेक्शन में भी पिन कर देती हूँ इस वीडियो की लिंक। तो किसी भी जगह आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखते जाएं, इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हाँ कहीं पे किसी स्कूल में गए तो क्या 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 स्टेप्स होते हैं, क्या 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 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी इसमें बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स की, जो कि पहली वैकेंसी जो पैनल वैकेंसी है। दूसरी पोस्ट है इसमें सैलरी सभी के लिए 35,000 बताई गई है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अलग है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ये रेगुलर बेसिस पर है। रेगुलर मतलब तो परमानेंट होता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश रेगुलर बेसिस पर है। इसकी सैलरी भी फिक्स 35,000 रुपीज़ बता रहे हैं। डिजायरेबल में जो क्वालिफिकेशन होती है वो देखने की जरूरत नहीं है, जो एसेंशियल है मैंडेटरी जहाँ पे लिखा है वो देखें, उसमें से कुछ भी आपके पास है तो अप्लाई कर दें। नेक्स्ट है पीजीटी हिस्ट्री, ये कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज है। कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी है उसकी सैलरी फिक्स्ड है। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि टर्मिनेट हो सकता है 1 साल के बाद, बट रेगुलर है तो फिर वो साल दर साल वो कंटिन्यू होता जाएगा। पीजीटी ज्योग्राफी 1 कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, इसकी 35,000 रुपीज सैलरी रहेगी। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए है, जो कि लीव वैकेंसी है। लीव वैकेंसी मतलब कोई लीव पर गए 6 मंथ्स के, ऐसा होता है मैटरनिटी लीव पे जाते हैं या स्टडी लीव पे 1 या 2 साल के लिए जाते हैं, तो जो लीव से वापस आएंगे 1 या 2 साल बाद या 6 महीने बाद, तो फिर वो खत्म हो जाएगा उस वक्त, तो वो होता है लीव वैकेंसी। तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस लीव वैकेंसी है। 33,000 रुपीज सैलरी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके बाद टीजीटी सोशल स्टडीज भी है, जो कि पैनल वैकेंसी है। मतलब पैनल में रखेंगे, अभी जैसे उनको लग रहा है कि किसी वजह से रिक्वायरमेंट आ सकती है तो वो इमीडिएटली आपको बुला लेंगे। 33,000 रुपीज टीजीटी सोशल साइंस। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कोई भी सब्जेक्ट है, 33,000 रुपए सैलरी सोशल स्टडीज के लिए। उसके बाद है एनटीटी, एक रेगुलर है मतलब एक तो परमानेंट रहेगा और 2 पैनल में रहेगा। पैनल में मतलब उनको जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो वो बुला लेंगे। इसमें एज ग्रुप सबके लिए अच्छी रहती है, मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम अपर एज लिमिट 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो भी टीचर वैकेंसी है। एनटीटी की सैलरी बहुत कम है, 18,000 है, लेकिन ठीक है फिर अगर इमीडिएट बेसिस पर। अकाउंट असिस्टेंट है 1 परमानेंट पोस्ट है, जिसमें कि बीकॉम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो बीकॉम वाले कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं है, बीकॉम किया हुआ है आपने, टाइपिंग आपको आता है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद लैब अटेंडेंट, 2 परमानेंट वैकेंसी, 2 रेगुलर वैकेंसी है, जिसमें कि 12th आपने पास किया हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सिर्फ आपने 12वीं साइंस से पास किया है तो फिर हो गया, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। सैलरी थोड़ी कम है 14,000, बट ठीक है 12th पास करके आपको जॉब भी तो मिल रही है ना इस बेसिस पे। और इसके बाद है कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, जो कि परमानेंट पोस्ट है। और इसके बाद है, सॉरी मैं भूल गई बताना, इसमें वैकेंसीज जो है एयरफोर्स स्कूल जामनगर से आए हुए, जो जामनगर गुजरात में है, जामनगर गुजरात स्टेट में है, यहाँ से वैकेंसीज आई हुई है। वेरी सॉरी जो स्टेट का नाम है, मेरी कोशिश रहती है 1 से 1.5 मिनट के अंदर बता दूं, बट स्टेट और लोकेशन जो मैं भूल गई वैकेंसीज कवर पोस्ट कवर करते करते, तो सॉरी फॉर दैट। एयरफोर्स स्कूल जामनगर जो कि गुजरात में है, वहां से वैकेंसीज आई हुई है। और अब इसकी लास्ट डेट क्या वो भी देख लेते हैं, कैसे एप्लीकेशन करनी है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें जो लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन पहुंचने की 3 जुलाई 2023। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू फॉरवर्ड रिटर्न एप्लीकेशन अलॉन्ग विद बायोडेटा, ये एड्रेस दिया हुआ है, बाय ईमेल, बाय पोस्ट और इन पर्सन। तो ईमेल कर सकते हैं, सबसे सिंपल तो ईमेल होता है, ईमेल कर दे। पोस्ट के लिए क्यों पैसे वेस्ट करें अगर ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल क्विकली पहुंच जाता है।
सब्जेक्ट लाइन में लिख दें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी पोस्ट है, या फिर आपको पोस्ट ही करना है तो पोस्ट भी कर सकते हैं, या अगर आप पर्सनली आसपास रहते हैं जामनगर के और आप चाहते हैं कि पर्सनली ड्रॉप करें तो पर्सनली भी ड्रॉप कर सकते हैं। 3 जुलाई 2023 तक लास्ट डेट रहेगी। जो ईमेल से अप्लाई करना चाहते हैं वो ये ईमेल आईडी दी हुई है। एड्रेस अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो ये एड्रेस भी दिया हुआ है, और बाकी अगर आप पर्सनली जाना चाहते हैं तो भी एड्रेस दिया हुआ है। वेबसाइट चेक कर लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट ये पॉपअप ओपन हो रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं। एयरफोर्स स्कूल जामनगर, वायुसेना स्कूल जामनगर, इसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना आप जब, तो यहाँ देखें जॉब सेक्शन में, यहाँ पर रिफ्रेश कर लें पहले एक बार जॉब सेक्शन में, जो सबसे लेटेस्ट फिर पॉपअप ओपन हो रहा है, सबसे लेटेस्ट दो है, एक में ये देखे दो है 13 जून 2023 और 13 जून 2023, एक में नॉन टीचिंग पोस्ट है हेल्पर वगैरह, एक में जो टीचर की पोस्ट है टीचर और लैब अटेंडेंट अकाउंटेंट वगैरह। तो दोनों को एक बार डाउनलोड करके, एक एक बार डाउनलोड करके देखें, जैसे आप डाउनलोड करने जाएंगे तो ये ऑप्शन आएगा, ये पेज ओपन होगी, इसी में फॉर्मेट फॉर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म सीरियल नंबर 5 भी चेक कर ले, इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दी हुई है, ओल्ड है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्मेट तो ओल्ड और न्यू होती नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्मेट तो आप कभी भी यूज कर सकते हैं जब कभी भी वैकेंसीज आ जाए। तो ये वैकेंसीज आई हुई है 13 जून 13 जून, एक जो है हेल्पर की है नॉन टीचिंग की और एक जो है टीचिंग की है, तो दोनों डाउनलोड करके चेक कर ले कौन सा टीचर वाला है, और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट सीरियल नंबर 5 पर है, ये भी डाउनलोड कर ले, फिल कर ले, ईमेल से भी भेज सकते हैं या फिर ईमेल से भेजने के लिए स्कैन कर दे पीडीएफ और भेज दे, या फिर पोस्ट कर सकते हैं, पर्सनली भी ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर ले, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे कुछ कैंडिडेट जो नए हैं मेरे चैनल पर, नए व्यूअर्स हैं, उन्हें पता नहीं है कि मैंने फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर भी कई सारे जॉब्स पोस्ट करने के लिए ग्रुप्स फॉर्म किए हुए, ये सारे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें एडमिशन्स की भी नोटिफिकेशन है, साथ ही साथ वैकेंसीज हैं, अलग अलग राज्यों से अलग अलग स्टेट से आने वाली वैकेंसीज हैं, और टीचर की है, नॉन टीचिंग है, कॉलेज की वैकेंसीज हैं, कॉरपोरेट कंपनीज की, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, ये सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती हैं जो लीडिंग न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। लीडिंग न्यूज़पेपर मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार और कई सारे ऐसे जो हैं ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून से, ऐसे जो कई सारे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर हैं उनकी एडवर्टीजमेंट को मैं कट करके आपके लिए पेस्ट कर देती हूँ, इस पर शेयर कर देती हूँ। सरोज मिश्रा चैनल करके पब्लिक ग्रुप है, 36,000 अभी मेंबर है फेसबुक ग्रुप पे, इसी तरह टेलीग्राम चैनल है उस पर भी कई सारे 34,000 या 35,000 मेंबर्स हैं। आपको अगर ये ग्रुप्स ज्वाइन करना है लेटेस्ट जॉब अपडेट्स का बेनिफिट लेने के लिए, तो सभी ग्रुप्स के लिंक्स आपको मेरे हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, जितने भी लिंक्स हैं सभी आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाएं, सब में कुछ ना कुछ जॉब अपडेट जरूर आती रहती है, आपके फ्रेंड्स के काम आ सकते हैं, आपके रिलेटिव्स के काम आ सकते हैं, आपके खुद के काम आ सकते हैं, और इन सब के लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे क्या होता है, एक ग्रुप बन जाता है, सभी एक जगह जो है एक वैकेंसीज देखते रहते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है कि एक दो ग्रुप है मेरे और भी जगह पे, तो इसके लिए तो ये सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और भी कुछ चैनल्स हैं उनके लिंक्स मिलते हैं हर वीडियो के, हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करें, क्लिक करें और ज्वाइन हो जाएं।